नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारा फ़ोन आ रहा है कि अभी वन टाइम खरीदूं या अभी और गिरने का इंतज़ार करूं। आशा है कि और गिरेगा, उसका इंतज़ार करूं। अब इस क्वेश्चन का जवाब मैं पहले भी दिया हूं। ये जो मार्केट देखेंगे ना, इस तरह से ऊपर नीचे होता रहा है, सदियों से होता रहा है। मार्केट का नाम यही है, उसी का नाम मार्केट है, जो ऊपर नीचे हो। कॉन्स्टेंट होगा तो कुछ कुछ रिटर्न मिलेगा ही नहीं। तो हर गिरावट में बड़ा गिरावट अगर आप देखेंगे ना, तो मेरा एक क्वेश्चन है, गिरा या गिराया? ये जितना बड़ा गिरावट देख रहे हैं यहाँ पे, गिरा मार्केट या गिराया, इसका आपको आंसर जानना है। तो इसके पहले मैं लिंक में एक वीडियो डाल दूंगा, काला पत्थर और वाइट पत्थर। मैं डर डर के ये वीडियो बनाया हूँ और मेन चैनल पे नहीं डाला हूँ। क्यों नहीं डाला हूँ? डालूंगा तो मुझे डर है कि उड़ जाएगा। तो जितने लोग हमसे कनेक्टेड है ना, तो ये संवाद भी फ्यूचर में नहीं कर पाऊंगा। मेरा काफ़ी सारा वीडियो उड़ा है। भूतकाल में मैं एक वीडियो बनाया था कि भूत को 2 घंटा में कैसे झाड़ें। मेरे बच्चे को भूत पकड़ लिया था भूतकाल में, तो 2 घंटे में मैंने घर में ठीक कर दिया। तो वही वीडियो मैंने डाला तो 2 घंटा के अंदर उड़ गया। आप कहेंगे उड़ गया मतलब? बचपन में हम लोग खेल खेलते थे ना, तोता उड़, मैना उड़, वीडियो उड़ जाता था, चैनल भी उड़ गया है। तो मैं नहीं डाल सकता हूँ। तो इसको आपको जानना है। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, इसमें सारा समझ में नहीं आएगा बात। उसके पहले ये वीडियो आप लिंक में जाके देख लीजिएगा, दूसरे चैनल पे है, काला पत्थर और वाइट पत्थर। तो आपको इसमें एक क्लियरिटी आएगा कि गिरा या गिराया गया। अब आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे आया है ना कि दो बैंक जो है, सिग्नेचर बैंक और ये बैंक जो है, मतलब दिवालिया हो गया, और उसके न्यूज में मार्केट धम 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 गिर रहा है। इस न्यूज के पहले का एक न्यूज दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टाइटेनिक अपने आप डूबा नहीं, लिखा हुआ है अंग्रेजी में, पूरा पूरा नहीं पढ़ूंगा। अपोलो 11 नेवर लैंडेड ऑन मून। लेकिन मीडिया में, न्यूज में, पेपर में, रिंगटोन में क्या आया था? नो प्लेन, ही खतरनाक वाला है, नो प्लेन क्रैश इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कब? 9/11 वाला बात है, वो क्रैश नहीं हुआ था। फिर तो टीवी, मीडिया, पेपर में सुने क्या थे हम? वो तो जहाज ही टकराया था। तो आज ये एविडेंस पता चल रहा है कि नो नो नो, इसे कैसे बोल रहे हैं? तो याद कीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी प्लेन क्रैश में चले गए, 40 साल के बाद पता चला ऐसा सच नहीं है। तो ये 30-40 साल के बाद ये सब भी पता चल रहा है कि सच नहीं है। आज वाला जो घटना है, अभी वाला, ताजा ताजा, ये ताजा ताजा, ये पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ नहीं, या हुआ तो कराया गया जानबूझ के। तो अब आपका क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करूं? इंतजार करूं? तो मुझे तो सब खेल समझ में आता है धीरे धीरे करके। मुझे अगर पैसा इन्वेस्ट करना होता तो मैं बहुत ज़्यादा गिरावट का इंतज़ार नहीं करता। फ्राइडे तक जो तामझाम होना है, थोड़ा बहुत पैसा है तो लगाना है। मैं अब ज़्यादातर पैसा नहीं लगाता हूँ, क्योंकि हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं। गिरा है 5-10%, मतलब मेरा बैंक अकाउंट खाली। जब भी गिरा मेरा बैंक अकाउंट खाली, ऐसे ही किया मैं 13-14 साल तक, ऐसे ही किया। अब करने का ज़रूरत नहीं है, अब खर्चा करते हैं, वो पैसा का पहाड़ बना के करेंगे क्या? तो आप अगर इस जर्नी में हैं कि आपने शुरुआत किया है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हुआ है और लंबा जर्नी चलना है, 12 साल 15 साल आगे चलना है, तो खरीदते रहना है, खरीदते रहना है। हमारा वो दौर पूरा हो चुका है। तो ये वाला वीडियो जाके पहले देख लीजिएगा। तो कहानी ये है कि पहले कभी किसी ज़माने में काला पत्थर चला करता था, अपना अपना वाला। अब उस काला पत्थर को वाइट पत्थर पे ज़बरदस्ती बोला नहीं, वाइट पत्थर चलाना पड़ेगा। फिर व्हाइट पत्थर के बाद कागज़ का आ गया, रुपया पैसा। अब इस रुपये पैसे को, कागज़ को, फिजिकल कागज़ को बोलते हैं ये डिजिटल। डिजिटल क्या है? इसमें आना है। तो जब डिजिटल ही होगा तो कागज़ वाला बैंक का क्या जरूरत है? वहाँ हुआ है, यहाँ भी होगा। अगर सब लोग जागरूक नहीं हुए तो यहाँ भी होगा, सब इसका तैयारी चल रहा है, तो बैंक का जरूरत नहीं है। कहानी आगे बढ़ता हूँ, आपका वाला क्वेश्चन, क्या करूँ? घुस जाऊं, छोड़ दूं, इंतजार करूं, क्या करूं? तो आज आप देख लीजिए सेंसेक्स, आज से पांच, आज जो भी पैसा लगाएंगे 5 साल के बाद आपका पैसा डबल होके मिल जाएगा। ये डर के ऊपर उठ जाएंगे, जो डरा हो तो कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस डर से जो ऊपर गया उसी का पैसा बाद में मल्टीप्लाई हो पाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन का बात करते हैं। आज आपको सेंसेक्स कितना दिख रहा है? 57,800 पे। इस 57,800 पे आज यदि पैसा लगाते हैं, वही मिड कैप स्मॉल कैप मेरा फेवरेट, उसमें घुसते हैं, 5 साल टाइम देते हैं,
तो आपका पैसा जो सेंसेक्स है लगभग 1 लाख पे आ जाएगा 5 साल के बाद। कितना रिटर्न होने से? 11.6% रिटर्न होता है। यही जो सेंसेक्स आपको आज दिख रहा है ये 1 लाख पे पहुंच जाएगा। आपको मैं अभी बोलूं कि सेंसेक्स 1 लाख पे होगा तो आप कहेंगे कि सब खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे 1 लाख जाएगा। इंतज़ार कीजिए, हम आप जिंदा रहें, मोगेम्बो ने किसी को कुछ नहीं किया, तो 1 लाख तक भी आप सेंसेक्स को देखेंगे। 10 साल के बाद 2 लाख भी देखेंगे। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। आगे मैं यहाँ पे बैलेंस फंड कैटेगरी का बात करता हूँ, हाइब्रिड इक्विटी। आपने पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, अब ज़्यादा पैसा है, सेफ चलना चाहते हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है मार्केट से, ऊपर नीचे डर लगता है। हमें डर नहीं लगता है, जिनको नहीं पता है उनको डर लगेगा। भूतकाल में भी डर लगा था, हमें भूतकाल में भी डर नहीं लगा था क्योंकि हमें सब कुछ पता था। तो जिनको जिनको पता नहीं था, घर में बंद भी थे हम, तो बाहर तब भी बैडमिंटन खेलते थे, तब भी धूप में सोते थे। तो पता नहीं है तो वही डर है, और वो डर है तो थोड़ा बहुत डर तो रहेगा ही रहेगा। तो आप नहीं स्मॉल कैप मिड कैप में लगाना चाहते हैं, बैलेंस कैटेगरी हाइब्रिड फंड में लगाना है, तो वो फंड ये है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले 10 ईयर्स का रिकॉर्ड हमने लिया है। यहाँ पे क्वांट एब्सोल्यूट फंड कैटेगरी कौन सा है? 14 नंबर, StarSIP.in के वेबसाइट पे, हाइब्रिड एग्रेसिव क्वांट एब्सोल्यूट फंड। 5 लाख का वैल्यू, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट, 10 साल में 25 लाख रुपये बनाए 17% के रेट से। ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, 5 लाख वन टाइम का वैल्यू, 2013 से अभी 2023 में 21,50,000 बनाए 15% के रेट से। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा लमसम पैसा है, पेरेंट्स का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा है, तो बैलेंस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको टाइम है, 10 साल, 12 साल, 15 साल छोड़ सकते हैं। तो कहीं भी पोस्ट ऑफिस, बैंक में जाने से बेहतर है आप यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैंक पोस्ट ऑफिस भी मार्केट में ही लगाएंगे, वो भी मार्केट पे ही डिपेंड है। जब वही मार्केट में लगा रहे हैं तो हम ही लगा देते हैं। अगर हम लगा देंगे तो एवरेज का बात करते हैं, अगर सब कैटेगरी का एवरेज देखते हैं तो 12.44% का रिटर्न मिला है एवरेज। सब में 2-2 लाख रुपए लगा दिए टॉप 5 में, तो 12.44 का रिटर्न कौन देने बैठा है? इसमें टैक्स भी आपको मात्र 10% ही देना है, जहां दूसरी जगह लगाएंगे तो 30% टैक्स देना है। तो सब कुछ वाइजली सोचिए। तो इस तरह से करके अगर हम SBI का बात करें, एक ही फंड में लगाना है, SBI में लगाना है, तो 5 लाख रुपया अगर SBI हाइब्रिड इक्विटी में चेक काट के डाल दिया, तो पिछले 10 साल में इसने 2013 से 23 तक 13.4% का रिटर्न दिया है, और 10 लाख का 17,58,000 बनाया है। तो इस तरह से बैलेंस कैटेगरी के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरा टारगेट 1.5 करोड़ रुपया है 15 साल में, 15,000 रुपया पर मंथ कर रहे हैं। कौन कौन सा फंड है? निपॉन स्मॉल कैप 6,000 रुपया, SBI स्मॉल कैप 2,500, क्वांट स्मॉल कैप 4,500, एक्सिस स्मॉल कैप 1,000, कैनरा रिविको स्मॉल कैप 1,000। पक्का ही प्राप्त होगा ये टारगेट जो आपने सोच के रखा है। एकदम अडिग रहना है, ऐसे ही चलते रहना है। बीच बीच में थोड़ा सा पैसा है, 5,000, 10,000, 20,000 टॉप अप करते रहना है। गिरावट है, डरना नहीं है, खरीद लेना है। ये टारगेट आपका पक्का ही पूरा होगा, कोई इसको काट नहीं सकता है। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सर, वाइफ होम मेकर है, क्या उसके नाम से ELSS फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स रिबेट ले सकते हैं? मतलब समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। हाउस वाइफ है तो उनके नाम पे इन्वेस्ट करके आप टैक्स रिबेट लेना चाहते हैं? अपने नाम का टैक्स रिबेट कैसे हो सकता है? और उनको तो टैक्स रिबेट का जरूरत ही नहीं है, जब उनका इनकम ही नहीं है, हाउस वाइफ है, उनका इनकम ही नहीं है, तो आप टैक्स रिबेट लेके करेंगे क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हम 1 लाख रुपये पर मंथ कमाते हैं, अब टैक्स हमको आ रहा है, तो हम तो अपना ELSS वाला म्यूचुअल फंड ले लिए हैं, टैक्स बचा रहे हैं, अब और आ रहा है तो वाइफ के नाम पर कर दूँ? ऐसे नहीं चलेगा। आप ये कीजिए कि आप उनको सैलरी दीजिए, वो भी तो काम कर रहे हैं ना। सैलरी नहीं देते हैं अलग बात है, लेकिन बाहर के देश में वो भी काम करने जाते, आप भी काम करने जाते, और दोनों मिलके होटल में खाना खाते, तो 50,000 रुपया होटल का बिल आता ना। तो यहाँ पे वाइफ को ही 50,000 रुपये पर मंथ देना शुरू कर दीजिए कि भाई आप घर में होटल चला रहे हो, आपको 50,000 रुपये पर मंथ दिया, तो 12×5=60, 6 लाख रुपये उनको दे दिया, 4 लाख आपका इनकम, 6 लाख उनका इनकम। अब उनका जो इनकम हुआ, अब ELSS में इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स रिबेट ले सकते हैं। उनका भी इनकम दिखाना पड़ेगा यदि आप बिजनेसमैन हैं। तो यदि आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी तो आपके ही नाम पे आ रहा है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जितना टैक्स कटना है कटेगा ही। लेकिन आप बिजनेस में हैं तो दो पार्टनर बन जाइए, वाइफ को भी पार्टनर बना दीजिए, खुद भी पार्टनर बन दीजिए, 50-50 कर लीजिए। आप अपना टैक्स रिटर्न अलग भरिए, उनका टैक्स रिबेट अलग भरिए, उनका ATC में 1.5 लाख अलग से इन्वेस्ट कीजिए, अपना ATC में अलग से इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है,
इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। मिनिमम आप SIP में 100 रुपया से शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।